जी साढ़े तीन मीह पानी पानी आया मीह सही रात पंदा रहा ग्यारह मीह शुरू होया साढ़े सही रात मीह पिया तीन साढ़े तीन बजे इन्ना तेज पानी आया कि समान रुड़ गया दुकानदारा का साडा मतलब सही सारी दुकानदार से मीह बहुत तेज आया बाढ़ आ गई बाढ़ तो एक तरह से बाढ़ ही मतलब पानी बहुत तेज आया पानी का निकास कम हुआ कम हले नहीं करता बस वधिया ही है घटिया नहीं है माड़ा मोटा हूँ कटिया सवेरे छे बजे कि दुकाना का समान रुड़ गया है पंद्रह दुकाना समान रुड़ गया जी जी अगे मेन अगे अगे दुकाना लगियां उन्होंने सोफे रुड़ गए कई क्रॉकरी वाले से उन्होंने कप कुप सारे रुड़ गए और थोड़े तो समान है झूले वाले रिंग छत्ती वाले सारे समान रुड़ गया जी प्रशासन वालों कोई पूछ गिछ प्रशासन तो कोई आया नहीं जी हम यहाँ पे फर्नीचर का सामान लगाए दशहरा मैदान में फर्नीचर का सामान लगाए रात में दो बजे के बाद बारिश आया पर पहाड़ में बारिश हुई तो पूरा पानी आया पानी के साथ हमारा पूरा फर्नीचर का सामान है पूरा बह गया और भी दुकानें थी इधर उनका भी बहुत नुकसान हुआ उनका भी बहुत सामान बह गया प्रशासन के किसी आदमी ने प्रशासन के किसी आदमी ने आके नहीं पूछा भाई आपका सामान कैसा है कैसा नहीं अब आप क्या मांग करते हो अब हम अपना ये जो हमारा नुकसान हुआ हमारा नुकसान का वसूली हो जाए तो बेहतर है वहाँ तक के सोफे पड़े पुल के नीचे कोई सा दुकानदार नहीं जिसका सामान बह ना गया भाई प्रेस में